नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 24/7। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। 6 सालों बाद भी सरकार शराब माफियाओं पर लगाम नहीं लगा पा रही है। हर जगह शराब धड़ल्ले से मिल रहा है। सरकार शराब माफिया और शराबियों पर नकेल कसने में नाकामयाब साबित हो रही है। तो नीतीश सरकार ने अब नया पैंतरा आजमाया है। अब बिहार में हेलीकॉप्टर से शराब कारोबारियों पर नजर रखा जाएगा। नीतीश सरकार ने शराबबंदी सफल बनाने के लिए आकाश में हेलीकॉप्टर उतार दिया है। आज से इसकी शुरुआत भी हो गई है। बता दें, कुछ दिन पहले से ड्रोन से शराब की निगरानी रखी जा रही थी। इसमें सफलता मिलते देख नीतीश सरकार ने इस काम में हेलीकॉप्टर की सेवा लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए 4 सीटर हेलीकॉप्टर को इस काम में लगा दिया गया है। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था, फिर भी शराब की होम डिलीवरी जारी है। इस दौरान शराब की सप्लाई और निर्माण कार्य बेधड़क जारी रहा है। वहीं नीतीश कुमार ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए हर जतन किया, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहे। पुलिस की मिलीभगत से शराब माफियाओं ने सप्लाई व निर्माण का कार्य बेधड़क जारी रखा है। बिहार में विदेशी शराब की खेपें तो आ ही रही हैं, वहीं नदी किनारे बड़े पैमाने पर देसी शराब का निर्माण भी कराया जा रहा है। वहीं अब हर हथियार विफल होते देख सरकार ने शराब रोकने के लिए हेलीकॉप्टर को लगाया है। मद्य निषेध विभाग ने शराबबंदी की सूचना इकट्ठा करने के लिए 4 सीटर हेलीकॉप्टर मंगाया है। ऐसे उस हेलीकॉप्टर को शराब खोजने के काम में लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24/7।